स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह के गृह विधानसभा क्षेत्र द्रंग से भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है, इसलिए सभी कार्यकर्ता पार्टी के प्रचार में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में प्रदेश की दुर्दशा करके रख दी है, जिससे प्रदेश की जनता अब कांग्रेस को सबक सिखाने की फिराक में है। देखिए, द्रंग विधानसभा क्षेत्र हमारे जवाहर ठाकुर जी बहुत ही कम वोटों से हारते रहे। इस पर कार्यकर्ता एक मत है। पार्टी की नीतियां, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की योजना है, वो जो 50+ का टारगेट दिया उसको पूरा करने के लिए जवाहर इस द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर बूथ तक, हर घर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उनका संदेश और जो काम इन 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं वो काम आप बोलने लगे हैं। द्रंग हल्के में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सी योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं और जिस तरह जवाहर ठाकुर जन जन के नेता हैं, लगातार संघर्षरत रहे और आज पूरी पार्टी एकजुटता से, कर्मठता से इस बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा और जोहर जी पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का नामांकन अवसर पर भारी संख्या में पधारने पर आभार प्रकट किया। उन्होंने वोट की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं से गुहार लगाई कि वे एक बार उन्हें जिताकर विधानसभा जरूर भेजें। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में पद्धर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर व सांसद रामस्वरूप शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा मंडल के पदाधिकारियों सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं आभारी हूँ द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के सभी संगठन के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, लोगों का और हमारी पार्टी का कि मुझको फिर एक बार तीसरी बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का मौका मिला है और मैं समझता हूँ कि जो आशीर्वाद मुझको पार्टी ने दिया है, आने वाले विधानसभा में जिस तरीके से आज हमारे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है और इस बार लगता है कि जिस तरीके से लोगों में एक मोदी जी की वजह से और आज जो परिस्थितियां हैं उनकी वजह से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से लोगों की हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में जो लंगड़ा विकास हुआ है, विकास तो है पर लंगड़ा जो विकास हुआ उसको प्राथमिकता के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको पूरा करेंगे और इसके साथ में जो हमारे दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूसरे जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कई सालों से जो है वो राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इसके बाद में मोदी जी के जो कार्यक्रम 106 कार्यक्रम जो प्रदेश में केंद्र में जो शुरू हुई है, लोगों के जन कल्याण के लिए जो योजना शुरू की है उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि गांव-गांव तक हम उनका जो एक मिशन है 2022 तक का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे।